अरे आमच्या मुंबई कडे या जहाजाने या बांगलादेशी या रोहिंग्यानी वाकड्या नजरेने बघितलं ना तर त्यांचे डोळे ठिकाणावर ठेवणार नाही एवढी हिम्मत हिंदू समाज म्हणून तुम्ही उभी करा। एक और वीडियो देखिए, उसके बाद आपको बताऊंगा कि मामला क्या है। सुनिए, बिल्कुल सही करिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे, अल्लाह ऐसी ही आप सभी को खुश रखे। आए दिन मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दी जाती है, मुसलमानों का कत्ल आम करने के लिए खुलेआम धमकी दी जाती है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होती ना उन पर कोई कार्रवाई होती। इसको लेकर के दोस्तों ये IMIM की जो मुंबई से महिला विंग है, उन्होंने दोस्तों FIR दर्ज कराई है और उन्होंने बहुत सारी बातें बोली है। मैं विस्तार से बताऊंगा आपको पूरी खबर के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इन नफरती चिंतुओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि रफीक कामदार नामक एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने ट्वीट किया है, मैं आपको दिखा दूंगा। वो उन्होंने लिखा है कि 3 फरवरी मालाड मालवनी के हिंदू जन आक्रोश में मोर्चा में बीजेपी विधायक नितेश राणे ने स्थानीय मुस्लिमों को चुन चुन कर कत्लआम करने की धमकी देते हुए हर मुस्लिम नेता को और डॉट डॉट क्या लिखा है पढ़ा जाता है, कहा इस्लामोफोबिया अरेस्ट नितेश राणा, उन्होंने लिखा है। उसी लेकर के दोस्तों ये IMIM की जो महिला विंग है मुंबई से रिजवाना खान ने FIR दर्ज कराई है इन भगवा गुंडों पर, जो कि आए दिन नफरत फैलाते रहते हैं, देश में बेलगाम हो चुके हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उनको दोस्तों आप सुन सकते हैं वो क्या कह रही है। इनसे सबक लेने की ज़रूरत है मुसलमानों को भी, क्योंकि मुसलमान इस तरह की खबरें वीडियो देख करके छोड़ देते हैं, उनको FIR करने की ज़रूरत है। देखें वीडियो हमारे साथ। आए दिन मुसलमानों को खुलेआम मारने काटने की बात की जा रही है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना पुलिस एक्शन लेता है ना सरकार एक्शन लेती है। लेकिन मुफ्ती साहब ने क्या गलत कह दिया था, उनको अभी तक जेल में ये लोग रखे हैं, साथ में उन पर पासा एक्ट भी लगा दी है जिसकी जो कि 2-3 महीने से 1 साल तक की सज़ा उनको हो सकती है। क्या होगा आगे पता नहीं, लेकिन अभी तक वो जेल में है। आपकी क्या राय है इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।